बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये CTS की बुक है, मैं इसको फंडामेंटल्स के चैप्टर से शुरू करती हूँ, उसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें वो कह रहा है, फर्स्ट MCQs में वो कह रहा है कि इफ शीट ऑफ अ बेकर लाइट इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एन एयर कैपेसिटर। अच्छा, किसी बेक लाइट की शीट की बात कर रहे हैं, एयर कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में, तो फिर क्या होगा। अच्छा, अब वो अब थोड़ी सा इसका मैं बता दूं कि कोई भी जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कैसे बनता है। जब हम इंसुलेटर किसी डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर किसी डाइलेक्ट्रिक को वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट होता है, जिसकी वजह से डाइलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। तो ये बेकलाइट जो है ना, ये हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक मटीरियल यानी इंसुलेटर है, और इसकी एयर के मीडियम से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो अब इसको जब एयर कैपेसिटर की प्लेट्स में रखेंगे तो वो ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, बिकॉज इट हैज़ मोर एज़ कम्पेयर टू द एयर। तो प्रोडक्शन ऑफ जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हमारा ज़ाहिर है ज़्यादा होगा, तो कैपेसिटेंस भी ज़्यादा हो जाएगी, कैपेसिटेंस हमारी इंक्रीज़ हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट, लाइन्स ऑफ वोल्ट ड्यू टू चार्ज पार्टिकल। तो राइट हैंड रूल इसके हम इसको डिटरमिन करते हैं। तो लाइन्स ऑफ वोल्ट चार्ज पार्टिकल की वजह से हमेशा क्या होते हैं, कर्व होती हैं। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज नॉट, कैपेसिटेंस का जो फार्मूला होता है सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन डी। एरिया, डिस्टेंस और परमिटिविटी तो किस पर डिपेंड नहीं करती, थिकनेस ऑफ प्लेट। ठीक है, मैं दोबारा फार्मूला बता दूँ, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई डी। एप्सिलॉन डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है, यानी हर एक का डिफरेंट होगा। जैसे भी मैंने आपको पीछे बताया था एयर, और हम डाय उसकी किसकी बात कर रहे थे, इसकी बात कर रहे थे ऊपर वाले में, सबसे पहले में हम बेक लाइट इलेक्ट्रिक। ओके, अच्छा, डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल को हमेशा मस्ट बी इंसुलेटर। ओके, अच्छा, SF6 जो है कलरलेस है, हैवी भी है और इनर्ट भी है, इनकम्बस्टिबल है, और क्या है, इनकम्बस्टिबल है और नॉन टॉक्सिक है, नॉन फ्लेमेबल है, नॉक्सियस भी है हमारे पास, इन नॉक्सियस होता है कि जो हार्म नॉक्सियस होता है, जो हार्मफुल होती है, पॉइजनस होती है, और ये 6 times हैवियर है देन एयर। ओके, सो SF6 मैं दोबारा बता दूँ, नॉन टॉक्सिक, नॉन फ्लेमेबल, कलरलेस, और यानी येलो कलर नहीं हो सकता, लाइटर देन एयर, मैंने आपको बता दिया 6 times हैवियर देन एयर है। पंजेंट स्मेल नहीं, बल्कि स्मॉल इसकी स्मेल होती है, रोटन एग्स, खराब अंडों जैसी, तो कौन सा, नन ऑफ अब भी नहीं है, और नॉन टॉक्सिक है। ठीक है, नॉन फ्लेमेबल भी होती है, हैवी, इनर्ट, इनकम्बस्टिबल। वेलकम बैक टू द MCQ नंबर 6। टू प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आफ्टर बीइंग चार्ज फ्रॉम अ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स सपोर्टेड बाय मींस ऑफ एन इंसुलेटेड हैंडल, तो फिर क्या होगा। दो प्लेट पैक किया कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स ने और उनको हमने खींचा इंसुलेटेड हैंडल से, तो फिर क्या हुआ, जब डिस्टेंस उसका क्या हो जाएगा, अगर हमने उनका डिस्टेंस आ दिया तो फिर कैपेसिटेंस हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन डी। तो डिस्टेंस बढ़ गया तो कैपेसिटेंस कम हो गई, तो वोल्टेज को बढ़ना चाहिए, मेरे ख्याल से वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट शुड इंक्रीज। लेकिन इसका आंसर जो है ना वो यही है, मैंने इसको एक दो जगहों से कंफर्म किया है, वोल्टेज जो है प्लेट्स का वो डिक्रीज होगा। हालांकि प्लेट्स का डिस्टेंस बढ़े तो कैपेसिटेंस को कम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट पे चलिए। कैपेसिटर है तो इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ स्टोर होता है, डायरेक्ट है ना, मेटल प्लेट्स पे चार्ज आता है। नहीं, मैं ले लूंगी। अच्छा,
Which of the following capacitor will have the least variation? Silver का जो plated mica capacitor है उसमें least variation होती है. For which of the following parameter variation the capacitance of the capacitor remain दोबारा आ गया C is equal to A epsilon D. Which of the following material is the highest value dielectric constant? IL की वगैरह सबसे ज़्यादा होती है. Let me confirm, मुझे इसके ऊपर doubt है. Ceramic की सबसे ज़्यादा है जी, मैं आपको बताती हूँ. Vacuum की 1 है ठीक है, आयल की 2.5 है जबकि सेरेमिक की 4.5 है, तो इसका आंसर सेरेमिक है. सो 10 का इसने गलत किया हुआ है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ओके, हमें पता है कि जब डिस्चार्जिंग होती है तो वोल्टेज डिक्रीज करता है एक्सपोनेंशियली, या जो जो करंट है ना डिस्चार्जिंग कैपेसिटर में वो ग्रो करेगा. शॉर्टर लाइफ टाइम किसका है? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का शॉर्टर है. कितने क्या उड़ गया. अच्छा हाँ जी बिल्कुल, जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है ना ये बड़ा होता है ठीक है, इसका साइज मुझे लगता है सबसे ज़्यादा है. अच्छा, और इसमें ना पोलैरिटी भी होती है प्लस माइनस की, तो इसकी लाइफ इसलिए शॉर्ट होती है कि मतलब इसका साइज ज़्यादा है मज़ीद फूल जाते हैं. तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इसका सबसे लाइफ टाइम स्पेन कम है. तो अगर किसी सर्किट में आपने कोई ड्राइवर बनाया है या आपने कोई मतलब कोई भी सर्किट जिसमें आप ज़्यादा आप चाहते हैं कि आपका ड्रेस सर्किट बनाए इसकी लाइफ टाइम ज़्यादा और लाइफ स्पेन ज़्यादा हो, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं. इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को जब पेपर दूसरे कैपेसिटर लगाते हैं, कैपेसिटर क्या करते हैं, कैपेसिटर को कम करते हैं ना. तो रिपल को कम करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि हमारा रिपल ही कम हो ताकि हम छोटा कैपेसिटर लगा दें, बिकॉज द लाइफ ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इज़ वेरी लेस. लेकिन उसकी जो इसकी जो वैल्यूज़ है ना वो सबसे ज़्यादा होती है, मतलब इसकी कैपेसिटर्स की वैल्यू. इसमें से कौन सी स्टेटमेंट वो कह रहे थे इनकरेक्ट है? अब देखें स्केयर होता है ना 1/2 सी वी स्केयर, एनर्जी यही होता है. तो मेरे ख्याल से ये इनकरेक्ट नहीं कह रहा मैं, मैंने इस एमसीक्यूज को काफ़ी देखा था, मुझे इसके ऊपर डाउट है अभी भी, लेकिन शायद ये क्लियर हो गया था. लेकिन नहीं, 1/2 सी वी स्केयर ठीक है, तो रिडक्शन इन कैपेसिटेंस से एनर्जी की वैल्यू कम ही होगी ना, स्टोर्ड एनर्जी. हाँ ये ठीक है, इसको करेक्ट इनकरेक्ट नहीं कहना चाहिए. स्टोर्ड एनर्जी इन कैपेसिटर इंक्रीजेस विद अप्लाइड वोल्टेज, वो भी ठीक है क्योंकि 1/2 सी वी स्क्वायर है. लीकेज रेजिस्टेंस ऑफ सेरेमिक, अच्छा वायर केबल है डिस्ट्रीब्यूटेड. चले इसको ना 13 को मेरे ख्याल से गलत है. अगर आप लोग जो वीडियो देखें तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं कि व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड एमसीक्यू 13. द स्पार्किंग बिटवीन टू इलेक्ट्रिकल कॉन्टेंट्स कैन बी रिड्यूस बाय, ओके कैपेसिटर लगाएं जी पैरेलल में कॉन्टेंट्स में भी काम देते हैं. अच्छा इसको देखते हैं कि 14 है ना ये 14. शॉर्ट कैपेसिटर, शॉर्ट सर्किट ऑकर थ्रू कैपेसिटर बट इंसुलेटिंग मीडियम ऑफ कैपेसिटर मिनिमाइजेस द रिस्क, ओके इस वजह से हम लगाते हैं कि जो शॉर्ट सर्किट है ना हमारा स्पार्किंग हुई ना तो वो कैपेसिटर के थ्रू हो जाते हैं, तो इंसुलेटिंग मीडियम ऑफ कैपेसिटर मिनिमाइजेस द रिस्क, ओके. थर्मल प्रोटेक्शन स्विच कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड इन अ कैपेसिटिव सर्किट. स्टडी स्टेट वैल्यू अप्लाइड वोल्टेज काज़ डिस्टर्ब. स्टडी स्टेट, अब देखिए स्टडी वैल्यू नहीं, उसको चार्ज नहीं करेगा ना, डिस्चार्ज करेगा, इंक्रीज इन अप्लाइड वोल्टेज करेगा. कैपेसिटर इंक्रीज विद इंक्रीज इन सी इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन डी में खासी 17 भी ठीक है. अच्छा जो गलत है वो मैं आपको बता रही हूँ. वेरी इजी फेरेड, अच्छा गैंग कंडेंसर वेरिएबल कैपेसिटर है. मीका कैपेसिटर सेरेमिक कैपेसिटर सेरे ज़्यादा कैपेसिटर, देखिए इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक नहीं है, इलेक्ट्रोलाइटिक होता है ना उसकी उसकी वैल्यू सबसे इसकी, तो सेरेमिक की वैल्यू जो है ना कैपेसिटेंस की वो सबसे ज़्यादा है. लेकिन इसमें उसने ये बताया कि मीका और सेरेमिक जो है ना उनके फिजिकल डायमेंशन सेम है, तो ज़्यादा वैल्यू किसकी होगी सेरेमिक की, और स्मॉलेस्ट साइज किसका होगा ये उसने पेपर कैपेसिटर के साथ कंपेयर किया है.
तो है उसका पेपर केमिस्ट्री की नस्बत उसकी साइज़ भी स्मॉलर है और मीगा केमिस्ट्री की नस्बत उसकी वैल्यू ज़्यादा है। हाईएस्ट वैल्यू ऑफ ब्रेक डाउन वोल्टेज किसकी है? इलेक्ट्रोलाइटिक की है। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिस्ट्री विल हैव द लीस्ट वैल्यू ऑफ ब्रेक डाउन वोल्टेज? इसी वजह से इसकी शायद लाइफ स्पेन कम है। यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मेरे ख्याल से कूलम पर मीटर क्यूब थी। मैं कैपेसिटर यूज फॉर ऑडियो फ्रीक्वेंसी एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग एंड कपलिंग एस मीका का कैपेसिटर यूज होता है। करिए मीका कैपेसिटर। अच्छा, वैसे एयर भी तो हो सकता है, जैसे हाई फ्रीक्वेंसी में ट्रांसफॉर्मर होता है तो उसमें अक्सर कहते हैं ना कोर एयर की है बाहर आ रहा है, फिर इसका ये मीका ही है, मैंने कन्फर्म भी किया है। आंसर इसका मीका ही है। किधर रह गया? अच्छा, कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय इंसुलेटर एंड व्हाट इज द इंसुलेटर? इंसुलेटर आपका डायलेक्ट्रिक। अभी कितनी है बोरिंग किस्म की किताब है, ठंडा में पढ़े। What will happen to an insulating medium if breakdown, if voltage more than break voltage is applied? तो definitely कंडेंसर हो जाएगा, आप उसको ब्रेकडाउन से ज़्यादा दे रहे हैं तो डायलैक्ट्रिक से तो मीडियम। अच्छा, इसका मुझे नहीं पता कि इसका क्या वाकई आंसर, नन ऑफ अबव, मैंने शायद इसको सर्च भी किया तो इसका आप देखें। अगर इसका ये नहीं है तो काइंडली कमेंट्स में बता दें। द मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इन अ केबल ऑकर्स इन इंसुलेशन। आंसर वैसे शायद कंफर्म है, लेकिन मिनिमम वैल्यू प्रेशर ग्रेडियंट की केबल में इंसुलेटर की होती है। इन कैपेसिटर इलेक्ट्रिक सर्ज स्टोर इलेक्ट्रिक रिपीट हो रहा है एज कैपेसिटर इन अ सर्किट दैट नो इंडक्टर है वो करंट को अपोज करते हैं, तो कैपेसिटर किसको अपोज करना है? कैपेसिटर ने वोल्टेज को अपोज करना है टू प्रिवेंट द जनरेशन ऑफ स्टैटिक चार्जेस ऑन रबर और फ्रेट लेदर, उसके लिए कंडक्टिव ड्रेसिंग हम करते हैं। अच्छा, मोस्ट सुपीरियर डायलैक्ट्रिक बेकलाइट हो गया। इलेक्ट्रिक चार्ज है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक चार्ज है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड है। इन ऑर्डर टू रिमूव स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मशीनरी अराउंड द फ्रेम वर्क हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट्स, मीका के बेस्ट दोबारा आ रही है। अच्छा, इसमें ना ये स्मैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं कि थ्री चार्ज हैं, ठीक है। थर्ड चार्ज मुझे लगता है उसको इक्विलिब्रियम में आना नहीं चाहिए, उसको दोनों रिपेल करेंगे या दोनों इस तरह रिपेल कर रहे हैं कि वो, या तो वो दोनों ऐसे रिपेल कर रहे हैं कि वो इक्विलिब्रियम में जा रहे हैं। डायलैक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फील्ड स्ट्रेंथ आपकी वो कह रहे हैं डिक्रीज हो जाएगी 37। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटर इज प्रेफर? सिंगल फेज मोटर में आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जनरली मेड टू प्रोवाइड लार्ज वोल्टेज, मैंने कहा था इसकी कैपेसिटर के लिए ज़्यादा है, लेकिन इसकी लीस्ट वैल्यू ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज की है, इसकी लाइफ कम है और सिंगल फेज मोटर में यही होता है। शॉर्ट हो गया तो ज़ीरो हो गया। मस्ट बी कनेक्टेड इन करेक्ट पोलैरिटी, ओके, बट मैंने इसको किया हुआ है, ये बेचारा जो है ना इनकरेक्ट पोलैरिटी में भी आंसर दे ही देता है, बट मान लेते हैं क्योंकि उसमें प्लस माइनस है ना, बाकी सब में तो मेंशन ही नहीं होता। प्रेजेंस ऑफ एन अनचार्ज कंडक्टर नियर चार्ज वायर इंक्रीजेस द कैपेसिटी ऑफ द चार्ज कंडक्टर, ठीक है जी, अनचार्ज कैपेसिटर था उसने जब चार्ज वायर की बात रखा तो उसने कैपेसिटी चार्ज की बढ़ा दी। सेरेमिक की सबसे कम स्मॉलेस्ट डायमेंशन होती है, अभी हमने किसके साथ देखा था, शायद पेपर के साथ हम देख रहे थे कि पेपर के साथ, लेकिन देख ले सेरेमिक की सबसे स्मॉलेस्ट डायमेंशन है। एक और चीज़ क्या थी इसकी, इसकी एक और चीज़ थी जो मैंने कहा था कि उसमें ना इसकी शायद कैपेसिटेंस मीका की नस्बत ज़्यादा थी, ठहरे, हाँ जी, मोर वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस थी इसकी मीका की नस्बत। अनचार्ज कैपेसिटेंस चेंज है चार्ज कंडक्टर, द अनचार्ज कंडक्टर गेट्स चार्ज बाय इंडक्शन, ओके 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 ओके। मीका कैपेसिटर कैरेक्टराइज बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट द लो लीकेज फैक्टर, स्टेबल ऑपरेशन होता है। अच्छा, एक्यूरेट लॉसेस वैल्यू, लो लॉसेस होते हैं मीका में, देख लें लो लॉसेस होते हैं, लेकिन लो लीकेज फैक्टर्स उसमें नहीं होती, मतलब मीका इसका मतलब बहुत अच्छी चीज़ है। अभी हमने क्या देखा था, सेरेमिक की चीज़ें हमने देखी थी और एक का मतलब सेरेमिक की क्या थी, मीका, मीका हमने उसमें देखा शायद, यस
रेडियो फ्रिक्वेंसी वगैरह में यूज़ होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी एंड ऑडियो ट्यूनिंग में मी का यूज़ होता है, तो वो बहुत बेहतर है। उसके सारे ही फायदे लग रहे हैं ना, स्टेबल ऑपरेशन, एक्यूरेट वेरियर, लो लॉसेज। लेकिन लो लीकेज रिएक्टर्स, लो लीकेज रिएक्टर्स का मतलब है कि उसकी हाई है, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। 46 रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है 47। मेहरबानी है इनकी किताब की, जल्दी कवर हो जाती है। कैपेसिटर्स को मैं ये करते हैं आप शेयरिंग ब्रिज से, बाकी आपको पता है हे ब्रिज इंडक्टर्स के लिए होता है, वीटस्टोन तो रेजिस्टर्स के लिए। वाइन ब्रिज में कुछ सुना सुना है, डायलैक्ट्रिक्स तो मीडियम डिपेंड्स ऑन। अच्छा मुझे लगता है ये पहले भी आए हैं, उसमें उसने नन ऑफ अबव करवाया है, इज इट और नॉट? यस एग्जैक्टली। अच्छा उसमें कुछ और स्टोरी थी, उसने इंक्रीज डिक्रीज की बातें लिखी थी। प्रॉपर्टी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटेंस। एनर्जी नहीं होगा? नहीं जी नहीं होगा। वोल्टेज ग्रेडियंस इज मैक्सिमम एट द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। परमिटिविटी इज एक्सप्रेस इन फैरेड पर मीटर ही होती है ना। विच मीडियम हैज द लीस्ट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? एयर। अच्छा ये सारी ठीक है, मैंने कभी चेक किए हुए हैं, इनमें प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इसमें जो मिस्टेक आ रही है मैं बता रही हूँ। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डिक्रीज विद इंक्रीजिंग थिकनेस, ए एप्सिलॉन डी। एरिया है ना, तो नहीं 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 सॉरी सॉरी, ये वो मैं बता रही थी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है ना, आप थिकनेस बढ़ाते जाएंगे तो वो कम हो जाएगी। एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द नेगेटिव पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कैन बी फाउंड विद कूलम्स लॉ, यूनिट ऑफ फ्लक्स फैराडे। द फिनोमेना ऑफ इनचार्ज बॉडी गेटिंग चार्ज मेनली बाय नियरेस्ट ऑफ चार्ज बॉडी इंडक्शन है। द नंबर ऑफ फैराडे ट्यूब ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही होगा ना। अच्छा नंबर ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट अक्रॉस द मटीरियल ऑफ लो परमिटिविटी इज ग्रेटर अक्रॉस द मटीरियल ऑफ हाई परमिटिविटी। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है हमारा लो परमिटिविटी का, वो हाई वो ज़्यादा होते हैं हाई परमिटिविटी वाले मीडियम से। ओके ओके सो हमने 63 कर लिए, वेरी गुड। टोटल डेफिशिएंसी और एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ बॉडी इज नोन एज चार्ज। ओके इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर से होती है, मैग्नेटिक फील्ड उससे होती है, इंडक्टर से। इन्वर्स ऑफ कैपेसिटर किसको कहते हैं? इलास्टेंस को कहते हैं। कैपेसिटर आर यूज इन ट्रांजिस्टर सर्किट्स। ठीक है कैपेसिटर कौन से ट्रांजिस्टर के सर्किट में? वो कह रहे हैं सेरेमिक कैपेसिटर यूज होते हैं ट्रांजिस्टर के सर्किट में। हाँ कि उसमें तो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक भी लगाए हुए एम्पलीफायर में, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता। व्हेन द डायलेक्ट्रिक इज होमोजीनियस प्रेशर ग्रेडियंट, होमोजीनियस तो यूनिफॉर्म होगा। कैपेसिटर्स आर यूज फॉर रेडियो एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी, मुझे लगता है। और यहाँ पे वो एयर कह रहे हैं, रेडियो फ्रिक्वेंसी तो होती बहुत हाई है, और एयर अगर ट्रांसफॉर्मर कोर की आ जाती है तो उसको यहाँ पे भी आना चाहिए। कैपेसिटर कैन बी यूज ओनली फॉर डीसी। अब ये क्या इन्होंने बात की है, तो है इंतहाई गलत बात लग रही है जी। 70 में उसने कहा इलेक्ट्रोलाइटिक, ये क्या बात हुई? डीसी को कैपेसिटर क्या करता है? एक्स सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी, फ्रिक्वेंसी जीरो है तो रिएक्टेंस हो जाएगी, तो फिर ये कैपेसिटर तो डीसी पर होना चाहिए। सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी क्लोज सरफेस इक्वल्स द चार्ज इन क्लोज बाय दिस इज गॉसियन फॉर क्लोजर टॉलरेंस व्हिच इज वन ऑफ क्वेश्चंस मोस्टली प्रेफर्ड। अच्छा अब आप देखें, मैं आपको बताती हूँ सेरेमिक किधर यूज़ हुआ था। सेरेमिक और कंपेरिजन किया था, तो उसने कहा था सेरेमिक की वैल्यू ज़्यादा होती है, और उसने पेपर में और सेरेमिक में कंपेरिजन करके कहा था कि सेरेमिक की सेरेमिक का साइज छोटा होता है, और मीका कहाँ पे यूज़ हो रहा है? क्लोज
टॉप वो क्लोज होती हैं, एरर का प्रॉब्लम नहीं आएगा। लीस्ट वैल्यू डायलैक्ट्रिक सेरेमिक की 4.5 है, आयल की 2.5 यानी लीस्ट है, एक ग्लास की 4 होती है, अप्रॉक्सीमेटली पेपर की होती है 3.7। तो लीस्ट वैल्यू डायलैक्ट्रिक कॉन्सेंट्रेट की आयल की है, और पीछे क्या आया था, पीछे सेरेमिक की सबसे ज़्यादा थी ना, क्योंकि 4.5। कैपेसिटर प्रेफर फॉर हाई फ्रिक्वेंसी इज मीका। अब ये क्या इसने फिर, मतलब मैं इसको एयर भी कहूँगी क्योंकि रेडियो फ्रिक्वेंसी वाले से इसने इसको थोड़ा सा किया, इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्वांटिटी है। वेल टेस्टिंग अ कैपेसिटर विद ओहममीटर, इफ द कैपेसिटर शो चार्जिंग बट द फाइनल रेजिस्टेंस रीडिंग इज एप्रिशिएबली लेस देन नॉर्मल। अच्छा, कैपेसिटर ओहममीटर से उसने किया, कैपेसिटर शो चार्जिंग बट द फाइनल रेजिस्टेंस रीडिंग एप्रिशिएबली लेस देन नॉर्मल। तो वो कह रहे हैं उसका मतलब है आपको इतना वो है लीकिंग, देखिए अगर ओपन होता तो इनफाइनाइट आता, शॉर्ट होता तो ज़ीरो होती, तो ऑल राइट तो नहीं है, फिर लीक ही हो सकता है। टेम्परेचर कंपनसेशन के लिए वो कह रहे हैं जी सेरेमिक कैपेसिटर यूज़ होते हैं। अच्छा, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट में क्या कह रहे हैं, ये बहुत लंबी स्टेटमेंट है, इसको आप ही देखें, इसे देखते हैं। पेपर कैपेसिटर इज यूजुअली अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ रोल्ड फॉइल। में वैसे पेपर कैपेसिटर देखने में इंटरेस्टेड थे गूगल पे, पता नहीं मुझे नज़र नहीं आया था या मुझे याद नहीं आ रहा। कैपेसिटर कंसिस्ट्स ऑफ टू कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय इंसुलेटर, ओके, व्हेन डाइलेक्ट्रिक स्टेबल इज इंट्रोड्यूस इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो पोटेंशियल डिफरेंस उनका कम हो जाएगा। स्लैब है, ओके, द पावर डिसिपेशन फिर कैपेसिटर जीरो होती है, कैपेसिटर मार्क फॉर पोलैरिटी, ये भी हो गया, इलेक्ट्रोलिटी में प्लस माइनस होता है। अ कैपेसिटर इन अ सर्किट बिकम हॉट एंड अल्टीमेटली एक्सप्लोडेड ड्यू टू रॉन्ग कैपेसिटर, क्योंकि उसकी होती है ना पोलैरिटी परमीएबिलिटी इन अ मैग्नेटिक सर्किट का रिस्पॉन्स टू अनकंडक्टिविटी होती है। देखें तो क्या होता है, ये देख लें 87 में भी आ रहा है, कंडक्टिविटी इज एरर ऑफ टू परमीएबिलिटी, ये बहुत अच्छा। टाउ इज इक्वल टू एल बाय आर, टाइम कॉन्स्टेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडक्टर, टाउ इज इक्वल टू एल बाय आर, इफ यू हैव बोथ द इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस डबल देन डेफिनेटली इट विल रिमेन अनचेंज्ड। ओके, 87 से आ जाइए इधर, शुक्र है। दोज मटेरियल वेल सुटेड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट विच हैव, दोनों चीज़ें हाई, हार्ड स्टील इज सुटेबल फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट बिकॉज इट हैज़ गुड रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, ओवरलोड रिले होती हैं, सब में आ गई। रिटेंटिविटी का वो यूनिट कह रहे हैं वेबर स्क्वायर मीटर में, इसको देख लूँ ठीक भी है या नहीं, ठीक है। वेल कंपेयरिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, द फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक सर्किट कंपेयर विद विच फ्लक्स, थर्मल रिले होती हैं ओवर हैवी लोड्स के लिए, थर्मल उधर मोटर में यूज़ होती थी ना हेंडा की बुक में, इधर भी मोटर है। फेराइट कोर हैज़ लेस एडी करंट देन एन आयरन कोर, अच्छा फेराइट जो है ना ये भी हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफर फेराइट की होती है, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो फिर डेफिनेटली करंट कम होगा। सिलिकॉन स्टील इज यूज इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन बिकॉज इट हैज लो हिस्टेरेसिस लॉस। सपोज द क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर रिलक्टेंस है, और वो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, फिर क्या होगा, परमिएंस होगा, रेसिप्रोकल रिलक्टेंस का परमिएंस है, रिलक्टेंस का मुझे ये देखना पड़ेगा रिलक्टेंस क्या थी। हिस्टेरेसिस लॉस डिपेंड करता है एम्बिएंट टेम्परेचर पे, ठीक है जी, हिस्टेरेसिस लॉस का टेम्परेचर पे फ्रीक्वेंसी विद एम्बिएंट टेम्परेचर है मैग्नेटिक मटेरियल, हिस्टेरेसिस लॉस टेक प्लेस प्राइमरीली ड्यू टू हाई रिटेंटिविटी। एयर गैप इज यूजली इंसर्टेड इन मैग्नेटिक सर्किट ताकि हम प्रिवेंट कर सकें किसको, सैचुरेशन को। तो ये हमारे ख्याल से हमारे एमसीक्यूज हो गए ख़त्म, ओ सॉरी 100 तक हो गए, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद इसकी बुक के 12 एमसीक्यूज हैं और ये कवर हो जाने चाहिए, लेकिन इसमें इतनी मिस्टेक्स हैं और इससे लाइक मुझे ना लगता है इतना डाउटफुल होता है, जैसे टेस्को के टेस्ट में हम सारे, मतलब टेस्को के टेस्ट वाले हमारे गलत हुए हैं, दो तीन मेरे अपने गलत हुए हैं, हालांकि मतलब मैंने उन्हें खुद कोशिश भी थोड़ी सी की थी, एक दो जगह से कंफर्म भी किया था। तो अब ये जो इनकी किताब है नजीम सी टी एस वालों की,
और आई एम श्योर ये भी मैं आज यहाँ पे बता दूँ अपनी वीडियो की रिकॉर्डिंग में कि सी टी एस हेंडा को शायद फॉलो करें किसी हद तक, क्योंकि इसमें हेंडा के कुछ एमसीक्यूज है बट मुझे वेबसाइट पे जाएगा क्योंकि ये नई टेस्टिंग सर्विस है। पीटीएस ने भी इंडिया बिक्स पकड़ी थी, इंडिया बिक्स तो नहीं लेने लगा, इलेक्ट्रिकल 4U भी हो सकती है। और ये जो इनके एमसीक्यू एग्जाम वेटा से निकल रहे हैं और पता नहीं कहाँ, इसी को फॉलो करना है। मैंने ये स्टार्ट कहाँ से किया, मैंने स्टार्ट भी अपनी मर्ज़ी से दरमियान से किया है क्योंकि इनके ये वाले एमसीक्यूज कदरे बेहतर हैं, शुरू के तो काफ़ी टफ लगे। तो आप प्लीज़ जो भी इस वीडियो को देखता है और उसको कोई इसमें एरर नज़र आते हैं मेरे डिस्कशन में या कोई और, तो काइंडली कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें।